हाँ जी 12.5 के अपने दसम तक हुए पड़े थे। 11th क्वेश्चन से देखो, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए प्लस बी प्लस सी, अपने को जीरो दिया हुआ है और एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, जिसके बीच में भी एंगल निकालना होना तो आपको बस वही यहाँ पे दो रखने हैं, ए प्लस बी यहाँ रखा और सी को उस साइड भेजे, ठीक है। अगर आप इसकी स्क्वेयरिंग वो सेट करेंगे तो अपने यहाँ पे ए डॉट बी नज़र आएगा, क्योंकि एंगल निकालने का फॉर्मूला कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड अपने पास पड़ा ही है, ए का 3 है, बी का 5 है और सी का भी मैग्नीट्यूड 7 है। तो अगर आप इसकी स्क्वेयरिंग वो सेट करेंगे तो किसी वेक्टर के ऊपर स्क्वेयर लग जाए तो वो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर ही बन जाता है। स्केयर खोलोगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab यानी 2a.b हो गया और माइनस सी का स्केयर तो सी स्केयर ही हो गया। अब ए बी सी इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू पड़ी है, ये हो गया 3 का स्केयर, बी का मैग्नीट्यूड 5 का स्केयर, 2a.b वो तो अपने को निकालना ही है और सी का 7 है, 7 का स्केयर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से अपनी a.b की वैल्यू आ जाएगी, 2a.b इज इक्वल टू कितना आ गया, 49 - 9 - 25 यानी 49 - 34 यानी कि 15/2, ये हमारा a.b आ गया। बस इस फॉर्मूले में डाल दो। तो यहाँ पे अगर b और c के बीच में एंगल निकालना था तो b प्लस सी यहाँ छोड़ के ये उधर भेज देते हैं, ठीक है। 12th क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस ए वेक्टर एज ए सम ऑफ टू वेक्टर, एक वेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है सम ऑफ टू वेक्टर में, एक का नाम मान लिया a1 और एक का नाम मान लिया a2। हेयर ए वेक्टर तो आपको दे रखा है, एक वेक्टर ए वेक्टर है 5y - 2j + 5k, इसको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ टू वेक्टर में, एक का नाम a1 रख दिया, एक का नाम a2 रख दिया। हेयर जो a1 है वो पैरेलल है b वेक्टर के साथ और जो दूसरा है वो परपेंडिकुलर है b वेक्टर के साथ। अब ये b वेक्टर कौन है, वो भी दे रखा है, b वेक्टर है अपने पास 3i प्लस k। अब क्योंकि a1 पैरेलल है b के साथ तो पैरेलल की कंडीशन, परपेंडिकुलर की कंडीशन डॉट जीरो होता है, पैरेलल की कंडीशन हो दो वेक्टर आपस में बराबर होना लैम्डा इक्वल टू लेकर, ये पैरेलल की कंडीशन होती है, दो वेक्टर आपस में पैरेलल होना। a1 तो अपने को पता नहीं पर b वेक्टर तो पता है अपने को, 3i + k, इस लैम्डा को अंदर भेज दो, इससे आपका a1 वेक्टर निकल आया पर लैम्डा नहीं पता, बस एक वेक्टर तो निकल ही आया ना। अब a1 भी आपको पता है, a भी पता है, a1 और a दोनों वहां जाके a में डाल दो, use a1 and a in first, इसका नाम first रख दो, a की जगह तो a डाल दिया, कितना 5y - 2j + 5k इज इक्वल टू a1, a1 की जगह ये डाल दिया 3λi + λk और प्लस a2 तो पता ही नहीं था ना। अब अगर इसको उठा के इधर भेजेंगे तो a2 निकल ही आएगा, तो ये बन गया 5 - 3λi और ये -2 और वो लैम्डा इधर आ गए, जे वाला तो है ही नहीं, चलो के वाला के साथ इकट्ठा करो तो 5 - λk इक्वल टू a2, ये अपना a2 वेक्टर आ गया, a1 भी आ गया, a2 भी आ गया, पर एग्जैक्ट नहीं आए क्योंकि जब तक लैम्डा नहीं निकलेगा जब तक एग्जैक्ट नहीं आ सकता, बिकॉज आगे क्या करें, a1 पैरेलल भी था, a1 पैरेलल था b के साथ तो दूसरे वाला परपेंडिकुलर था, बिकॉज a2 तो परपेंडिकुलर था b के साथ। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन पता है अभी, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर तो उनका डॉट बराबर क्या होता है, जीरो होता है। ये बैठा a2, ये बैठा आपका b, इनका डॉट जीरो लगा दो, डॉट में i वाले से मल्टीप्लाई होता है 3 - 5 - 3λ, j वाले से, जे वहाँ पे है ही नहीं, इधर तो है जीरो हो गया, k वाले से यहाँ है 5 - λ और वहाँ है 1, जैसे ही बराबर जीरो रखा तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, और लैम्डा की वैल्यू आ गई तो a1 और a2 दोनों एग्जैक्ट आ गए, बस a1 और a2 ही तो निकालने थे। लो जी लैम्डा की वैल्यू आ गई 20 = 10λ, लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 और यूज λ = 2 इन a1 एंड a2। तो हमने एक वेक्टर को एक्सप्रेस करना था सम ऑफ टू वेक्टर में और वो दोनों वेक्टर निकालने थे, तो हमने a1 और a2 दोनों निकालने थे, वो निकाल दिए, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा समझा। 13th क्वेश्चन में क्या कराया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, दो वैक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, दो वैक्टर आपको दे रखे हैं वो परपेंडिकुलर है,
दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड भी है। दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर का नाम है ए रख दिया हमने, 3i प्लस एक्स जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर है माइनस के, और बी वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस जे प्लस वाई के। ये दोनों वेक्टर, ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर के साथ और दोनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल दिए हुए हैं। तो परपेंडिकुलर कंडीशन का मतलब तो होता है दोनों का डॉट बराबर जीरो, दोनों का डॉट कर लो 3 × 2 = 6 हो गया, x इंटू 1 x हो गया, और k वाला से तो माइनस वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 6 एक इक्वेशन आ गई, माइनस 6 इधर से उधर आ गया प्लस 6 हो गया, माइनस वाई भी उधर पहुँच गया y माइनस 6, ये इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। और दोनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल दिए हुए हैं, तो अब दोनों के मैग्नीट्यूड, अब दोनों के मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आप, आई जे के कोफिशिएंट का स्केयर का सम 9x² और 1, और उधर उसका 4 1 और वाई स्केयर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। ये बच गया 10 + x² और ये बच गया 5 + y², ठीक है। बस यहाँ से x की वैल्यू वहाँ जाके डाल दो, पहले x आएगा फिर वाई आ जाएगा, ओके। 14 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ़ ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी दिया हुआ है, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी का मतलब होता है ए डॉट बी, अगर उस ए डॉट सी को इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ए कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच गया, बी माइनस सी, दो चीज़ों का डॉट जीरो का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों का डॉट जीरो का मतलब होता है परपेंडिकुलर, नहीं दो चीज़ें और भी होती हैं, जब भी ए डॉट बी जीरो हो तो हो सकता है ए जीरो होगा, हो सकता है बी जीरो हो सकता है दोनों परपेंडिकुलर भी हों, तो ये तीन काम होते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे भी यही होगा, या हो सकता है पहला जीरो हो, या दोनों दूसरा जीरो हो, या दोनों परपेंडिकुलर हों, ये अपने को प्रूव करना था, ठीक है ना। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन में भी यही परपेंडिकुलर ए और बी प्रूव करना है, ए और बी परपेंडिकुलर, सम नंबर 15 में प्रूव ए एंड बी परपेंडिकुलर, इफ एंड ओनली इफ, क्या बोल रखा है, ए प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू किसके, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, तो स्केयर खोलना पड़ेगा, बस स्केयर खोल के ये जो बराबर साथ साथ चल रहा है तो उससे कुछ कंडीशन आ जाएगी, देखते हैं क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab यानी 2a.b इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो ए स्केयर बी स्केयर, ए स्केयर बी स्केयर दोनों तरफ से कट गया, बचा कौन, 2a.b बराबर जीरो यानी a.b बराबर जीरो, a.b बराबर जीरो का मतलब यही होता है, दिस इम्प्लाइज का डबल साइन लेकर चलो क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है, डबल इम्प्लाइज, इसका मतलब यही हो गया कि a और b आपस में परपेंडिकुलर है, तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है ये है तो ये प्रूव करो, ये है तो ये प्रूव करो, तो हम दो दो काम नहीं करते, हम लोग यही लेकर चलते हैं और दिस इम्प्लाइज का डबल साइन लेकर चलते रहेंगे, ठीक है ना। एटीन क्वेश्चन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करना है, 18 क्वेश्चन में तीन वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर दे रखा है 1/7 ऐसे समथिंग, ऐसे बी वेक्टर दे रखा है 1/7 ऐसे, सी वेक्टर दे रखा है, और परपेंडिकुलर शो करने के लिए आप आएंगे ए का बी के साथ डॉट करेंगे, बी का सी के साथ डॉट करेंगे, और सी का ए के साथ डॉट करेंगे, सारे जीरो आएंगे, और सारे जीरो आएंगे तो इसका मतलब ए बी के साथ परपेंडिकुलर है, बी सी के साथ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए बी के साथ परपेंडिकुलर है, बी सी के साथ परपेंडिकुलर है, एंड सी ए के साथ परपेंडिकुलर है, जब ये परपेंडिकुलर शो होगा तो हम बोलेंगे कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और यूनिट वेक्टर भी शो करना है तो यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, बी का निकाल लो, और सी का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। 19 क्वेश्चन, अच्छा इसमें क्या रखा है कि इफ ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड बी का और सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कुछ कितना, 3b का 4 है और सी का 5 है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमको ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए निकालने को मांग लिया, तो हम लोग क्या करते हैं इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, यहीं पे सी को उधर भी नहीं भेजते, स्केयर खोलेंगे तो पहला बन जाएगा ए स्केयर, दूसरा बन जाएगा बी स्केयर, तीसरा बन जाएगा सी स्केयर, फिर 2ab यानी 2a.b, फिर 2bc यानी 2b.c,
टू सी ए यानी सी डॉट ए बराबर जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही हो जाना है। ठीक है, आप सबकी वैल्यू अपने पास पड़ी है। ए का स्क्वायर, ए मतलब थ्री का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब फोर का स्क्वायर, सी का स्क्वायर मतलब फाइव का स्क्वायर, टू कॉमन ले लिया, ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, हमको इसी की तो वैल्यू निकालनी थी। ये सब उठा के हमने उधर भेज दिया, टू डिवाइड में भेज दिया, तो ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी -25, क्योंकि इन सब का सम +50 +50, उधर जाके -50 डिवाइड बाई टू करोगे तो -25। ठीक है चलो, 20 सम तक तो हो ही जाएंगे ये।